अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर किस तरह से कर सकते हैं अपने लोकल सर्वर पे। अभी मैंने ये किया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने अपने दूसरे सिस्टम से उठा के यहाँ पे लेके आया हूँ और मैंने इसी डॉक्स के अंदर ला के इस नाम से मैंने रख दिया। ये उसकी सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब मैंने इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैसे इसको रन करके किसको रन कर दें तो क्या हमारे पास आउटपुट आती है। जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये आउटपुट आई है और ये आप देख रहे हैं डिज़ाइन इसका काफ़ी ख़राब आ रहा है, मतलब CSS वगैरह ये बिल्कुल उठा ही नहीं रहा, बाकी वो डिज़ाइन बिल्कुल नहीं उठा रहा। देखते हैं अब हमने इसको किस तरह से रन करना है और कैसे इसने हमने अपने पास इसको कॉन्फ़िगर करना है। सिंपली हम ये करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को उठा के मैं ले आया हूँ XAMPP के अंदर। अब मैं स्टार्ट में जाके यहाँ से मैं XAMPP को ओपन करता हूँ और ये मैं ऑलरेडी इसके अंदर मैंने रख लिया हुआ है। उसके बाद मैं इसके अंदर गया हूँ, मैंने देखा है कि ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ सारा। उसके बाद मैंने ओपन किया है सबसे पहले एप्लीकेशन का फोल्डर, एप्लीकेशन में से मैंने कॉन्फ़िग का फोल्डर ओपन किया और उसके अंदर मेरे पास फाइल पड़ी है config.php, उसको मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास इसका कोड आ गया। अब कॉन्फ़िग में जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना बेस URL चेक करना है। तो बेस URL अगर आप चेक करें तो ये देखें HTTP और लोकल होस्ट कॉलन 8080, ये 8080 इसकी पोर्ट है। असल में हम तो मतलब कोई भी पोर्ट यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अब इसकी सेटिंग करनी है और यहाँ से जाके मैंने क्या करना है, ये जो 8080 लिखा है इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये फोल्डर नेम लिखा है मुबशिर, तो इसको भी मैं हटा के मैं यहाँ से जो मेरे फोल्डर का नाम है वो मैं लिख दूँगा और वो है क्लिनिवेक्स, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दूसरा स्टेप जो हमारा होता है वो हमें ये करना है कि जाके डेटाबेस की फाइल ओपन करनी है, उसके अंदर जाके डेटाबेस की सेटिंग्स को देखना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसमें देखता हूँ कि ये होस्ट नेम लोकल होस्ट ये ओके है, यूज़र नेम रूट ये भी ठीक है, पासवर्ड कोई नहीं है, ठीक है, डेटाबेस DFS। अब मैं जाके अपनी डेटाबेस में देखता हूँ कि हमारे वाली डेटाबेस का क्या नाम है। तो ये मेरे पास डेटाबेस ओपन थी, डेटाबेस मैंने देखा तो इसका नाम है DFS, यही नाम है बिल्कुल सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ओके। अगर नहीं तो नाम को यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें इस जगह पे। फाइल्स को आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने दोबारा से जाके इसको रन करना है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मली लोड हो रहा है, जिस तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट है उसी तरह से रन हुआ है, ठीक है। ये देखें, तो अब ये तो था कॉन्फ़िगरेशन का मसला। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले करवाई हुई थी लेकिन दोबारा से करवाने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये है क्या चीज़ और कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक वीडियो ऐसी चाहिए जिसमें सारे का सारा ये हो कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से रन हो रहा है और किस तरह से वो वर्किंग कर रहा है। तो आज मैं आपको वो सारा कुछ बता देता हूँ।